इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, ये बात ऐसे ही नहीं बोली जाती क्योंकि आजकल हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा दिलशानी हो रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेन के ड्राइवर को चाय पीने की तलब होती है, जिसके बाद ये बंदा सिर्फ चाय पीने के लिए पूरी ट्रेन को रोक देता है। चलो यहाँ तक थोड़ी बात समझ आती है, लेकिन जब ये बंदा चाय पीने के लिए चला गया तब इसने ट्रेन का इंजन बंद भी नहीं किया था और ट्रेन को हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया था, जिसके कुछ देर बाद ट्रेन ऑटोमेटिकली चल पड़ती है और ऐसे ही बिना ड्राइवर की ट्रेन जम्मू के कठुआ से पंजाब तक चली जाती है। बाद में जब ट्रेन ड्राइवर को ये बात पता चलती है तब उसको याद आता है कि उससे भारी मिस्टेक हो गई है और फाइनली ट्रेन अथॉरिटीज को ये सब बात बताने तक ट्रेन 84 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी थी विदाउट किसी ड्राइवर्स। एनीवेज बहुत कोशिशों के बाद फाइनली इस ट्रेन को पंजाब में रोका जाता है, लेकिन ये लोगों का गुड लक ही था कि रास्ते में कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक हमने ट्रेन के आमने सामने टकराने के बहुत सारे हादसे इंडिया में देखे हैं। वैसे मुझे लगता है कि आजकल की ट्रेन्स भी मोदी जी का भाषण सुन के आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, इजंट इट।